इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रोस्कोपी के दूसरे पार्ट में हम देखेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की नेचर और करैक्टर कैसे होती है। क्वांटम यांत्रिकी के अनुसार मैक्सवेल ने बताया है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो द्वितीय प्रकृति की होती है वो दो प्रकार से व्यवहार करती हैं, एक वेव के समान, दूसरा पार्टिकल के समान व्यवहार करती है। तरंग के रूप में उनकी व्याख्या ऐसी तरंग के रूप में की जाती है जो एक ही समय में परस्पर लंबवत स्थिर विद्युत चुंबक के क्षेत्र में परस्पर विचरण करती है। एज ए पार्टिकल विकिरण यांत्रिकी के अनुसार विकिरणों का अवशोषण या उत्सर्जन कंटिन्यूस न होकर छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में होता है जिन्हें फोटोन या क्वांटा कहते हैं। प्रत्येक फोटोन की ऊर्जा को निम्न प्लैंक समीकरण द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, E=hμ=hc/λ=sc μ होता है, जहाँ एच प्लैंक कॉन्स्टेंट, सी वेलोसिटी ऑफ लाइट, म्यू फ्रीक्वेंसी, लैम्डा वेवलेंथ और म्यू बार जो है वेव नंबर होता है। ऊर्जा आवृत्ति और वेव नंबर के समानुपाती तथा तरंग दैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ये जो टर्म्स एनर्जी के लिए जो यूज़ की गई हैं उसके क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं उसको हम देखते हैं। वेवलेंथ तरंग के दो क्रमिक शीर्ष या गर्त के मध्य की दूरी को तरंग दैर्ध्य कहा जाता है, इसे मिलीमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, माइक्रोमीटर, माइक्रोन, नैनोमीटर और मिलीमाइक्रोन के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। इसे एंगस्ट्रॉम के रूप में भी व्यक्त करते हैं। नेक्स्ट वेव नंबर जिसे म्यू बार द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, इट इज़ ए रेसिप्रोकल ऑफ लैम्डा, दैट इज़ द नंबर ऑफ वेव पर यूनिट लेंथ और सेंटीमीटर, दैट इज वेव पर सेंटीमीटर होता है। फ्रीक्वेंसी किसी एक बिंदु से एक सेकंड में जितने साइकिल गुजरती है उस संख्या को आवृत्ति कहते हैं। इसे साइकिल पर सेकंड, हर्ज, किलो हर्ज, मेगा हर्ज के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। ई एनर्जी ऑफ लाइट, इट इज़ द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क और इट इज़ ए मेजर्ड बाय द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द बॉडी। E=hμ=hc/λ=hc μ means E=hc μ होगा। E is inversely proportional to the 1/λ और E is proportional to the mu bar होता है। अतः अवशोषित विकिरण की ऊर्जा जितनी कम होती है उसकी तरंग दैर्ध्य का मान उतना ही अधिक होता है। जैसा कि हम जानते हैं अणु में बहुत सारे परमाणु होते हैं और उनमें बहुत सारे भिन्न भिन्न प्रकार के बंध होते हैं। जब विद्युत चुंबकीय विकिरणों के पथ में उनको रखा जाता है या उन पर विद्युत चुंबकीय विकिरणें डाली जाती हैं तो विकिरणों के अवशोषण से वे उत्तेजित हो जाते हैं और हायर एनर्जी लेवल में चले जाते हैं और जंप कर जाते हैं। अवशोषित विकिरणों के उत्सर्जन से अणु पुनः अपने लोअर एनर्जी लेवल में आ जाता है, क्योंकि भिन्न अणु में भिन्न भिन्न प्रकार के बंध होने के कारण से वे भिन्न भिन्न फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करता है और भिन्न भिन्न नंबर के फोटोन्स जो हैं वो उसके द्वारा एब्जॉर्ब किए जाते हैं। तो इन विकिरणों की तीव्रता एवं तरंग दैर्ध्य के मध्य जो संबंध होता है या जो ग्राफ खींचा जाता है उसे आणविक स्पेक्ट्रम या मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम कहते हैं।
इस मॉलिकुलर स्पेक्ट्रम से ही हम अणु की संरचना जो है वो ज्ञात कर सकते हैं। अणु की संरचना ज्ञात करने की इस टेक्निक को स्पेक्ट्रोस्कोपी कहा जाता है। वह उपकरण जिसके द्वारा यौगिक का स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है उसे स्पेक्ट्रोमीटर कहते हैं। जैसा कि हमने देखा कि जब अणु पर कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस डाली जाती हैं तो उसकी कुछ लाइट का एब्जॉर्प्शन उन अणु द्वारा हो जाता है और अणु के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वह लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जंप कर जाते हैं। तो इससे जो स्पेक्ट्रा बनेगा वह कहलाता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। पुनः वह जब लाइट को इमिट करके जो लाइट उसने एब्जॉर्ब की थी उसको इमिट करके वह वापस अपने ग्राउंड लेवल में आता है तो उससे जो स्पेक्ट्रा प्राप्त होता है वह इमिशन स्पेक्ट्रा कहलाता है। इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी दो प्रकार की होती है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी और इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसी भी कंपाउंड को किसी उपयुक्त सॉल्वेंट में घोला जाता है, फिर उस पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस डाली जाती हैं। डिटेक्टर होता है जो उसमें किस प्रकार के बंद हैं वह डिटेक्ट करता है और उसके बाद रिकॉर्डर में उसका ग्राफ जो है वो प्राप्त हो जाता है। तो किसी भी कंपाउंड का स्पेक्ट्रम ज्ञात करने के लिए उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को किसी उपयुक्त विलायक में घोला जाता है। साधारणतः यह सॉल्वेंट 95% अल्कोहल होता है। इसके अतिरिक्त यहाँ पे हेक्सेन भी सॉल्वेंट के रूप में काम में लिया जा सकता है। इसको बंद कैसे सात मिनट 16 सेकंड का है।